जेवर में बनने जा रहे देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। नगला फूल खां, नगला छीतर, नगला शरीफ खां, दयानतपुर, खेरा, किशोरपुर, रोही व नगला गणेशी गांव के ग्रामीणों के लिए जेवर बांगर में आरआर साइट के नाम से हाईटेक टाउनशिप डेवलप की जा रही है। ये सभी गांव एयरपोर्ट निर्माण से प्रभावित हुई हैं। यमुना प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से ग्रामीणों को जमीन आवंटित कर दी गई है। ग्रामीणों द्वारा यहां पर मकानों का निर्माण भी शुरू करा दिया गया है। इसी बीच खबर आ रही है कि यहां कुछ मकानों में दरारें आ गई है। अभी हम मौजूद हैं आरआर साइट पे, जहाँ पे ग्रामीणों को प्राधिकरण द्वारा जमीन दी गई है। यहाँ पे ग्रामीण अपने मकान बना रहे हैं। कुछ ग्रामीणों की शिकायतें हैं कि उनके मकान में दरारें आई है। जब हमने इस सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की तो हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की। ये मकान तुम्हारा है? भतीजे का। क्या नाम है उसका? राहुल। अच्छा, ये खुद बना रहे हो या कौन बना के दे रहा है ये मकान? मिस्त्री बनवा रहे। नहीं, प्राधिकरण बना रहा है या तुम अपने खुद बना रहे हो अपने पैसे से? अपने आप बना रहे हो। प्राधिकरण नहीं बनवा रहा है? प्राधिकरण ने सिर्फ जमीन दी है। पुरानी ईंट क्यों लगा रहे हो मकान में? पुरानी मजबूरी है जी, इतना पैसा कहाँ में लाओ, जो हथका नई ईंट लगा के मकान बना लेंगे। अच्छा, तो क्या अभी क्या? तो मकान को पुराने को मैं पैसा ना, वो सारा तोड़वा दी, उसका ही पैसा ना आया अभी तो। अच्छा, पैसा नहीं आया। थोड़े जानकार भी थे इसलिए हमने ये, फिर जहाँ से मिट्टी डलनी शुरू हुई है यानी पक्की जो जगह है उस पे से पिलर लेना शुरू कर दिया। तो ये और लोगों को नहीं बताया कि वो भी मजबूती के साथ बनाए, क्योंकि मकान तो आदमी एक बार बनाता है हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए बनाता है, बार बार तो बनाता नहीं है। देखो, ये तो उसकी पैसे की बात है, उसमें कितनी पैसे की कितनी शक्ति है भाई। मकान तुम खुद ही बना रहे हो? हाँ जी, खुद बना रहा हूँ। तो ये ईंट जो कई मकानों में जो पुराने ईंट सब लगे हुए हैं, ये सब कहाँ से ला रहे हो? घर से ला रहे हैं। मकान कौन से घर से? गांव से ही। गांव का तो मुआवजा आ गया होगा, गांव की जमीन का, मकान का, सबका मुआवजा तो आ चुका है ना? हाँ, मुआवजा आ गया। फिर भी वहाँ से ला रहे हो? अब कुछ आई है अभी लगी बिना, इसमें तो एक भी ईंट नहीं लगी है मेरी, सारी नई ईंट लगाई है, सारी टोटल नीम में भी अव्वली लगाई है। अच्छा, ये मकान जो बन रहा है मिट्टी पे, इसकी पूरी सारी चीजें की जा रही है, सीमेंट बालू कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये मकान मजबूत होंगे? मुझे क्या पता जी, वो तो वो बनाने वाले जाने, इस पर मजबूताई है नहीं है, मैं तो अपने की तो बता सकूं कि मेरे में मजबूताई है या नहीं है। तुम्हारे में कैसी मजबूताई है? मेरे में ऐसी है, अगर बरतेंगे तो मैं मर जाऊंगा और वो भी मर जाए, जब भी ना बिगड़ा। तो यहाँ तुम्हारे मकान है? हाँ जी, मकान है हमारे। मकान कौन बना रहा है? मकान जी मिस्त्री बना रहे हैं मकान। नहीं, प्राधिकरण बना ना, अपने आप बना रहे हैं हम मकान। खुद ही बना रहे हो? हाँ जी। प्राधिकरण नहीं बना रहा? नहीं, वो नहीं बना रहे जी, उन्होंने पैसे वैसे दिए मलबे वलबे के, उनमें समस्या पूरी ना हो रही, तो 1.5-2 लाख रुपया में तो नीम नीम तैयार हो रही है। तो मकान कैसे बनाए, एक एक लाख रुपए दिए हैं इसको लेके प्राधिकरण से संपर्क किया कि कैसे हम मकान बनाए, हमारा मकान मजबूत हो? देखो जी, यहाँ तो यहाँ तो वे आम है, लेकिन ऐसा जी कभी हम ना रहे। मैं नाली तो वाली सही बनी हुई है, ईंट पड़ी है सर, मलबा पड़ा है, ये तो इसलिए ब्लॉक है। नाली तो सही बनी है, चाहे न डंपर भी कुदाए लोगों ने, नाली सही बनी, नाली कोई टेंशन नहीं। रोड कैसी बनी है? ठीक है, अपनी जगह जैसे बने हैं रोड। फिलहाल कुछ लोगों रोडों पे भी काम बाकी है, होगा तो काम होंगे। सब चीज नई है, अभी नई नई सी बनी है, जितनी चलेगी इतनी दबेगी, ये तो हर चीज का वो है। लेकिन सरकार से कहा था लोगों ने कि हमें कनेक्शन वही चाहिए। अच्छा, वही कनेक्शन उन्हें चाहिए? हाँ, जो हमारे वहाँ पीछे हैं, अब वो कट गए, वो गांव उठा कर ले गए सारी केबल वगैरह, और दोबारा फिर हम दोबारा फिर कराएंगे यहाँ पे कनेक्शन। हर आदमी 3500 रुपए चार्ज फिर लगाएगा हर आदमी, इतने लोगों को 3500-4000 रुपए कहाँ से देंगे? सरकार फ्री दे। लोगों का कहना है कि कुछ मकानों में दरारें तो आई है, लेकिन उसकी वजह मकान की गुणवत्ता है। कई जगह पुराने ईंटों से मकान बनाए जा रहे हैं, कहीं मिट्टी से ही, गारे से ही दीवार बनाए जा रहे हैं, इस वजह से दिक्कतें आ रही है। इसके अलावा कई जगहों पे, यहाँ पे हमने देखा है कि सड़कें तो सही है, लेकिन जो नाले बने हुए हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हैं, इस वजह से वहाँ पे पानी जमे हुए हैं। जब हमने लोगों से पूछा कि आप प्राधिकरण के अधिकारी तुम्हारे पास आते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल आते हैं, लाइटें जलती है, बिल्कुल जलती हैं, फिर समस्याएं क्या है, तो उनका यही कहना है कि हमारे पास पैसे की कमी है, इस वजह से हम जैसा मकान बनाना चाहते हैं वह नहीं बना पा रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने पैसे लगाए हैं
लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कुछ बचत हो जाए, किसी तरह से थोड़ी सी कुछ पैसे को बचा लिया जाए, और इस वजह से उन्होंने 4 इंच की दीवारें डाली हैं, और इसका असर कहीं ना कहीं उनके मकान पे पड़ा है, उनके मकान कमजोर हैं। ग्रामीणों से बातचीत के बाद हम आरआर साइट टाउनशिप में कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी लेने और मकानों में आई दरार की वजह जानने यमुना प्राधिकरण पहुंचे। प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह जरूरी मीटिंग में व्यस्त थे। यहाँ हमारी मुलाकात प्राधिकरण के डिप्टी जनरल मैनेजर AK सिंह से हुई। पहले दिन 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो उसके तुरंत बाद मैंने CEO साहब ने कहा था कि देखो वहाँ पे कुछ शिकायतें आ रही हैं, तुरंत उसका इंस्पेक्शन करके बताओ मुझे। तो मैं तुरंत उसी समय गया था, शाम का समय था, मैं गया था और वहाँ पे जो मुझे देखने को मिला तो कि कुछ मकान कच्चे गारे से जुड़े हुए थे, ईंट के थे, ईंट से टुकड़ी पुरानी ईंटें थी जिसमें टुकड़े भी थे उससे जुड़े हुए थे, और उनकी न कोई नींव थी न कुछ था। तो उसमें पानी, चूंकि बहुत तेज बारिश हुई थी, तो उसका पानी नालियां चुक थी। वहां के ग्रामीण जो भी आए हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो सारा मटेरियल उन्होंने इस तरह अपना गिरा रखा है जिससे सारी नालियां चुक हो गई हैं। अब उस पर न हटाए बन रहा है, जैसे हम लोग हटा रहे हैं फिर वो भर दे रहे हैं, उनका बराबर रेगुलर माल आ रहा है। तो नालियां चुक होने की वजह से पानी ओवर फ्लो हुआ, तो कुछ पानी उनके प्लांट में गया, कुछ पानी हमारी सड़क पे आया। तो जो जहां उन्होंने कंपेक्शन ठीक नहीं किया, नींव ठीक से नहीं भरी है, वहां वो नींव बैठी, तो जिसके वजह से क्रैक 3 जगहों पे आया। 3 मकानों में तो मिट्टी की जुड़ाई है, और वो माने के अनुसार किसी वो वहां नहीं तो कहीं और बनते तो भी गिर जाते। और एक्चुअल मकान मालिकों का दोष नहीं है, भवन स्वामियों का दोष नहीं है, वहां पे कुछ लोग जो राजगीर थे, जो मिस्त्री थे, अब वो राजगीर का काम कर रहे हैं, तो उनको पूरी नॉलेज है नहीं। अब वो ग्रामीणों को एक तरह से चीट कर रहे हैं, अपने को मिस्त्रीपन दिखा करके न सरिया सही डाल रहे हैं, नोक डाल रहे हैं, और ग्रामीण को तो ये पता है, ग्रामीण बेचारा तो ये जान ही नहीं रहा कि मिस्त्री सही है कि गलत है, उसको तो जुड़ाई से मतलब है, जोड़ रहा है ठीक है, सरिया डाल दी, लोहा पड़ गया ठीक है, अब लोहा कहाँ पड़ना चाहिए नहीं पता, 10 mm की सरिया बिम में डाल दी, 15 cm 4 इंच की बिम डाल दी, तो 4 इंच की बिम नहीं चलेगी ना वहां पे। तो ये कारण थे जिसके वजह से ये इनमें क्रैक आए हैं। जब से वहां पे विकास कार्य चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग सीधे CEO महोदय द्वारा की जा रही है लगातार, और SEO महोदय द्वारा लगभग उसका वीकली निरीक्षण किया जाता है, और OSD महोदय द्वारा किया जाता है, GM साहब और मैं खुद उसको पर्सनली तौर पे देखते हैं वहां पे। तो हर व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, कोई भी कमी ना होने पाए वहां पे। अभी साइटें चल रही थी तो ये लगा कि वहां पे जो आ रही है जनता आ रही है उसको शौच के लिए बाहर न जाना पड़े, इसलिए हम लोगों ने 2-4 जगहों से मांग करके शौच के मोबाइल टॉयलेट की स्थापना कराई थी, और फिर हम लोग भी चाह रहे हैं परमानेंट हमारे भी कुछ शौचालय आके वहां रख जाए, ताकि वहां पे ग्रामीणों को उसको बाहर न जाना पड़े, इधर उधर न भटकना पड़े, वहां के जो काम कर रहे हैं मिस्त्री और जो रह रहे हैं लोग। जहां तक बिजली और पानी के कनेक्शन की बात वहां कही जा रही है कि बिजली पानी हमें नहीं मिल रहा है, तो पानी का कनेक्शन हम लोग कई बार कह चुके हैं कि जिनको पानी कनेक्शन करना है वो अप्लाई करें, हम पानी कनेक्शन दे देंगे, क्योंकि पानी का कनेक्शन चालू है हमारे यहाँ। बिजली की रही बात, तो बिजली का कैंप भी हम लोगों ने लगवाया था और ये कहा था कि घर घर के आप लोग बिजली कनेक्शन ले लीजिए, लेकिन कोई तैयार नहीं है बिजली कनेक्शन लेने के लिए। वो बिजली कनेक्शन जिस दिन मांगेंगे, जिस घंटे मांगेंगे हम दे देंगे, हमारे पास तो उनका एप्लीकेशन आनी चाहिए, ऐसे तो जाके हम किसी घर में बिजली लगा नहीं देंगे। तीसरी चीज, हमारी सीवरेज पूरी लाइन ठीक है, वहां पे वाटर सप्लाई पूरी तरह चालू है, स्ट्रीट लाइट ठीक है, सड़कें ठीक है, पार्क ठीक है, तो विद्युत घर हमारा लगभग बनने का कंप्लीट है, तैयार है। तो हम लोगों को जितना वाटर टैंक लगभग बनने की स्टेज पे है, लेकिन हम लोगों ने डायरेक्ट पानी की सप्लाई चालू कर दी है, इसलिए कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्तर से कहीं उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, वो जितनी आवश्यकता है वो मिल रहा है, जो रिक्वायरमेंट इस समय है वो मिल रहा है। तो और जैसे भी वहां की पब्लिक की डिमांड आएगी, जो भी हमसे हमारे स्तर पर जो भी उनको जानकारी चाहिए हम उनको देने के लिए तैयार बैठे हैं। वहां पे SM रेगुलर रह रहा है, सीनियर मैनेजर, JEE, AE, तो वहां पे यदि वो लोग जो चाहेंगे अपेक्षा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग तो गाइडलाइन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, व्यवस्थाएं बता सकते हैं, अब उनके प्लांट में जाके हम काम नहीं कर पाएंगे, वो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, वो उन्हीं को करना है, और उसमें कितना मटेरियल लगना है, क्या लगना है, वो उनको डिसाइड करना है। एयरपोर्ट निर्माण से प्रभावित ग्रामीणों के लिए यमुना प्राधिकरण द्वारा जेवर बांगर में बेहतर प्लानिंग के साथ हाईटेक सिटी डेवलप की जा रही है। यहाँ पर सड़क निर्माण, पेयजल पाइपलाइन, अंडरग्राउंड केबल और बिजली की लाइन डालने के साथ साथ सीवर लाइन डालने का काम भी पूरा हो चुका है। सभी ब्लॉक में पार्क की व्यवस्था है।
कुछ मकानों में दरारें आने की बात भी सही है, लेकिन इसके लिए ग्रामीणों का कच्चा लालच और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर बरती जा रही लापरवाही जिम्मेदार है। ग्रामीणों को समझना होगा कि मजबूती से मकान बनाने में उन्हीं का फायदा होगा। विजय मिश्र, यमुना सिटी, जेवर।